भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी और पिता वसुदेव को कंस के चंगुल से छुड़ाने गए, तब उनकी उम्र 14 वर्ष थी। उनकी माता ने उनसे पूछा कि बेटा, तुम तो भगवान हो, तो तुम हमें पहले ही कंस के चंगुल से छुड़ा सकते थे, इतनी देर क्यों कर दी? तो कृष्ण जी ने कहा, माता, क्या पिछले जन्म में आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था? माता हैरान रह गई, बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? तब कृष्ण जी ने बताया कि पिछले जन्म में मैं राम था और आप थी माता कैकेयी, और आप ही ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था, और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता माता, इसलिए आपको 14 साल का यह दुख सहना पड़ा। तब आश्चर्यचकित होते हुए माता ने पूछा, तो फिर यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? कृष्ण जी ने बताया, वो थी माता कौशल्या, जो 14 साल तक अपने पुत्र से अलग रही थी, उन्होंने उस दुख को सहा था, इसलिए इस जन्म में 14 साल मैं उनके पास रहा और मेरे साथ रहने का, माता और पुत्र के प्रेम का सुख उन्हें मिला। कहने का मतलब यह है कि कर्म फल से ना उस युग में कोई बचा था, ना आज कोई बचेगा, खुद भगवान भी कर्म फल से नहीं बच सकते। इसलिए अपने हर एक कर्म को बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जिसके भी खिलाफ आप कुछ गलत कर रहे हैं, उससे आपकी शत्रुता कुछ समय या शायद एक जन्म की है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करके आप अपने कई जन्म बिगाड़ सकते हैं। शांति से जिंदगी जीने के लिए 6 बातें बता रहा हूं। पहले आप रील सेव कर लो, जिससे आपको बात याद रहे। नंबर 1, कभी भी बच्चों की बेइज्जती सबके सामने नहीं करनी चाहिए, इससे वह सुधरने की जगह और बिगड़ जाते हैं। नंबर 2, बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, इससे उनके मन में गुस्सा भर जाता है, जितना हो सके प्यार से समझाओ। नंबर 3, सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, हमेशा पहले पानी पिए उसके बाद ही चाय पिए। नंबर 4, कभी भी अपनी कमजोरियों या धन हानि की बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। नंबर 5, जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं, बल्कि आप स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को अपने से दूर करते जाते हैं। नंबर 6, पॉजिटिविटी के लिए आपको हमारा पेज अभी फॉलो कर लो। आधा साल निकल गया, 6 महीने बाद नया साल शुरू हो जाएगा। साल 2023 खत्म होने से पहले ये काम जरूर कर लेना। 1, सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ। 2, अपनी बॉडी को फिट बनाओ। 3, किसी का इंतजार मत करो। 4, आलस को जिंदगी से निकाल दो। 5, खुद को अपने काम में व्यस्त रखो। 6, हमेशा अपने गोल पर फोकस करते रहो। ऐसे दोस्त बनाओ, नंबर 1, जो कमाने की बात करे। नंबर 2, जो इन्वेस्टिंग की बात करे। नंबर 3, जो बिजनेस की बात करे। नंबर 4, जिनके सपने बड़े हो। नंबर 5, जो आपको कुछ सिखा सके। 4 चीजें हमेशा दर्द देती हैं। नंबर 1, हद से ज्यादा गरीबी। नंबर 2, दूसरों से उम्मीद। नंबर 3, प्यार में धोखा। नंबर 4, पैसों का लालच। हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, ये बातें हमें समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बार बार बताता है, लेकिन मांस खाने वाले लोग बहुत सारी बातें बता के उन्हें चुप करने की कोशिश करते हैं कि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, मांस खाने से ये होता है, वो होता है। उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज है, आप खाते हैं खाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बड़े पैमाने पर उन सब चीजों को तैयार किया जा रहा है जो आप बड़े मजे से खाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर जीव का एक डीएनए होता है ना, जिसके अंदर उसके इमोशंस होते हैं, उसके अंदर जो भी भाव होता है वो स्टोर होता है ना। जब आप किसी जीव को खाते हैं तो ये बात तो क्लियर है, उसका डीएनए जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपका डीएनए और उसका डीएनए टकराएगा जरूर, इससे आपके इमोशंस पूरी तरीके से इफेक्ट तो होते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमें शांति नहीं है, घबराहट होती है, स्थिरता नहीं है, मन इधर उधर भटकता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप भोजन क्या कर रहे हैं, आपने खाया क्या है, खाइए, कोई नहीं रोक सकता आपको, आपका अपना फ्रीडम है ये कि आप क्या खाना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये उस डीएनए का फ्रीडम है कि वो अंदर जाने के बाद आपको क्या देगा, फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, गले से नीचे उतरने के बाद वही करेगा वो आपके साथ जो प्रकट